आज के ज्योतिष प्रोग्राम में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। माता पिता परेशान हैं बच्चों के विवाह को लेकर के। आपके बच्चों की विवाह के योग्य उम्र हो गई है, लेकिन शादी विवाह के रिश्ते के लिए आप जहाँ कहीं पर भी बात चलाते हैं, बात सफलता तक नहीं पहुँच पाती है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर जाना और हनुमान जी के मंदिर जा कर के एक छोटा सा प्रयोग कर देना। आपके बेटा या बेटी की कुंडली में चाहे नजर दोष की वजह से विवाह में देरी हो रही हो, पितृ दोष बना हो, मांगलिक दोषों, काल सर्प दोषों, किसी भी प्रकार से आपके बेटा या बेटी की कुंडली का मैरिज हाउस पीड़ित अवस्था में हो, किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से शादी का रिश्ता पक्का होने में समस्या बन रही हो, किसी भी मंगलवार के दिन ऐसे हनुमान जी के मंदिर जाना जहां पर हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो, ऐसा मंदिर हो जिसमें सुबह शाम आरती बत्ती पूजा होती हो, ऐसे मंदिर मंगलवार के दिन जरूर चले जाना। और एक छोटी सी ऐसी चमत्कारी प्रयोग विधि है जिसे जरूर संपन्न कर देना, जल्दी से जल्दी आपके बेटा या बेटी की शादी का रिश्ता पक्का होने का निश्चित रूपेण योग बन जाएगा। देखिए प्रिय दर्शकों, मंगलवार के दिन यह प्रयोग विधि किस प्रकार से आपको संपन्न करनी है, लेकिन किसी भी उपाय की सफलता के लिए कुछ ऐसी बेसिक बातें होती है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल पर विशेषकर मैं आपको मैरिज से रिलेटेड जानकारियां देता हूं, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के अचूक उपाय बताता हूं, शीघ्र विवाह होने के अचूक उपाय बताता हूं, लेकिन कोई भी पूजा पाठ उपाय जब आप करते हैं तो उसकी सफलता निर्भर करती है कि कुछ ऐसे नियम होते हैं उनका साथ में आपको अवश्य पालन करना चाहिए। प्रायः देखा जाता है, कुछ लोगों का कहना होता है कि हम उपाय कर रहे हैं उसके बाद भी बात नहीं बन रही है। तो मैं आपको बता दूं, कुछ लोग ऐसी कुछ गलतियां हैं जो उपाय के साथ में करते हैं, तो उसकी वजह से उपाय का जो संपूर्ण लाभ मिलना चाहिए, संपूर्ण जो पुण्य फल मिलना चाहिए उपाय का, वह नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं कार्य सिद्धि होने में संदेह हो जाता है, या उपाय करने के बाद भी कार्य सिद्धि नहीं हो पाती है। पूजा पाठ से जुड़ा हुआ कोई भी प्रयोग हो, चाहे आप इस वीडियो में जो आज मैं विधि बता रहा हूं, चाहे आप इस विधि को संपन्न करें, चाहे मेरे YouTube चैनल पर देख करके किसी भी उपाय को आप करें, या आप स्वयं भी अपने निजी जीवन में कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उसकी सफलता इन बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहली बात है कि आप किसी भी प्रकार की मनोकामना सिद्धि के लिए जब किसी उपाय को कर रहे हैं, किसी प्रयोग को कर रहे हैं, तो उसको गुप्त रूप से करें, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर ना करें। कहने का तात्पर्य कि आप क्या उपाय कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इस बात का जिक्र ज्यादा लोगों के साथ ना करें, उसको गुप्त रख करके पूर्ण भाव से, श्रद्धा से उस उपाय को आपको करना है। जब कभी भी आप किसी भी उपाय को संपन्न करते हैं, तो उसकी एक महत्वपूर्ण बात है कि उस दिन आपको क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं तब भी आपका कोई भी उपाय जो आप करते हैं वह निष्फल चला जाता है। झूठ बोलने से बिल्कुल बचना है। कोई भी अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए जिस दिन आप उपाय कर रहे हैं, उस दिन झूठ तो बिल्कुल भी ना बोलना है। तामसिक चीजों का परहेज ना करें। लहसुन है, प्याज है, मांस मदिरा जैसी चीजों का स्पर्श करना भी निषेध कहा गया है। यदि इन चीजों का आप सेवन करते हैं तब भी आप कोई भी पुण्य कर्म कर रहे हैं अपनी कार्य सिद्धि के लिए, तो उसकी सफलता में संदेह हो जाता है। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें जब आप किसी भी प्रकार की मनोरथ सिद्धि के लिए किसी प्रयोग को करने जा रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे बेसिक नियम है कि हर वीडियो में बार बार यदि बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। आप कोई भी पूजा पाठ करो, इन नियमों का तो आप अवश्य पालन करो ही करो। और एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात है, जिस दिन आप किसी भी प्रकार की मनोकामना सिद्धि के लिए कोई प्रयोग करते हैं, उपाय करते हैं, उस दिन कम से कम बोलिए। कहते हैं कि समस्त सिद्धियों का जो सोपान है ना, वह मौन व्रत को कहा गया है। कम से कम बोले, कम से कम बातचीत करें, अति आवश्यकता में बोलना पड़े तो बोले नहीं। उस दिन ज्यादा से ज्यादा आप मौन रह करके भगवान का चिंतन करें, स्मरण करें कि प्रभु जिस कामना के लिए, जिस मनोरथ सिद्धि के लिए मैंने प्रयोग किया है उसमें जल्दी से जल्दी मुझे सफलता प्राप्त हो जाए। तो इन छोटे छोटे नियमों का आप जरूर पालन करें किसी भी उपाय प्रयोग विधि के साथ।
किसी भी लड़का या लड़की के विवाह में जब निरंतर बाधा बनती है तो उसका मुख्य कारण कुंडली में जब कैलकुलेट करके देखा जाता है तो या तो शनि दोष होता है या मंगल दोष होता है या शुक्र या बृहस्पति बहुत ज्यादा कमजोर अवस्था में हो, तब ऐसी स्थिति घटित हो जाती है कि लड़का या लड़की बहुत गुणवान है, योग्य है, दिखने में अच्छे हैं, उनका एजुकेशन स्तर बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी उनकी शादी का रिश्ता कहीं पर भी पक्का नहीं हो पाता है। तो किसी भी मंगलवार के दिन जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा, जो नियम जो विधि मैंने अभी बताई है उनका पालन करते हुए ये छोटी सी विधि किसी भी मंगलवार को करना, बच्चा बच्ची नहीं कर सकते तो माता पिता इस उपाय को कर देना। जिस किसी भी मंगलवार के दिन आप इस प्रयोग विधि को करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, सुबह 5:30-6 बजे उठ जाएं, सोच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण कर लें और घर के पूजा स्थान में सबसे पहले एक घी का दीप प्रज्वलित करके जो घर के पूजा स्थान में विराजित देवी देवता है उनके चरणों में अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए प्रार्थना करें, कामना करें पूर्ण भाव से, श्रद्धा से। यदि आसन पर बैठ के करते हैं तो कमर झुका के नहीं बैठना, रीढ़ स्तंभ सीधा करके और फिर पूर्ण मनोयोग से, भाव से, श्रद्धा से प्रार्थना करनी है। जो भी मंदिर में विराजित देवी देवता हैं, आपके जो पूर्वज हैं, पितरेश्वर हैं, सभी लोगों के होते हैं, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते, अपने जो पूर्वज हैं उनसे अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कामना कर लें और स्वयं कर रहे हैं तो अपने जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए प्रार्थना करें। कुंडली में किसी भी प्रकार के कोई दोष हो तो उससे हमें मुक्ति मिले इसके लिए प्रार्थना करना है। और फिर यह विशेष कार्य आपको करना है, आपको क्या चाहिए होगा, एक साबुत पान का पत्ता ले लेना है, जो चबाने वाला पान आता है वह आप एक साबुत पान का पत्ता ले लीजिए डंठल सहित। साबुत पान के पत्ते पर जो उसका चिकना वाला पार्ट होता है उधर आपको 5 लौंग रखने हैं, 5 इलायची, मोटी वाली जो इलायची आती है, 5 लौंग, 5 इलायची और 5 मोटी सुपारी जो पूजा में प्रयोग आती है, 5 सुपारी ले लीजिए। 5 लौंग और 5 इलायची और 5 सुपारी पर आपको थोड़ा सिंदूर लगा देना है, थोड़ा थोड़ा नाम मात्र, इन तीनों चीजों पर आपको सिंदूर लगा देना है। 5 लौंग पर थोड़ा सिंदूर लगा देना है, 5 इलायची पर थोड़ा थोड़ा सिंदूर लगा देना है, 5 जो सुपारी लिए उन पर थोड़ा थोड़ा आपको सिंदूर लगा देना है। सिंदूर जो हनुमान जी को चोला चढ़ाने वाला सिंदूर होता है वो थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिए, सूखा सिंदूर लेके उसमें चमेली का हल्का सा तेल मिला के नाम मात्र थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर आपको सिंदूर लगा देना है। तो एक पान के पत्ते पर 5 लौंग, 5 इलायची, 5 सुपारी मोटी वाली सिंदूर लगा के इनको रख करके एक गुलाब के पुष्प पर इत्र लगा करके आप पान के पत्ते पर रख दीजिए और अपने सामने कोई भी पात्र में इसको रख लीजिए, पहले पान का पत्ता फिर उसके ऊपर ये लौंग, इलायची और 5 सुपारी जो आपने सिंदूर लगा के रख दिए इन्हीं के ऊपर आपके गुलाब का पुष्प इत्र लगा के रख देना है और पूर्ण भाव से, श्रद्धा से श्री हनुमान जी महाराज से कामना करें कि हे हनुमान जी महाराज, मैं अपने बेटा या बेटी के निमित्त इस प्रयोग को कर रहा हूं या कर रही हूं, जल्दी से जल्दी मनोकामना पूर्ण कर देना, जल्दी से जल्दी इसकी शादी का रिश्ता पक्का हो जाए ऐसा आशीर्वाद प्रदान कर देना। इसकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई दोष बनाए, नजर दोष है, पितृ दोष है, मांगलिक दोष है, कालसर्प दोष है, कैसा भी कोई दोष हो उसको शांत करके शीघ्र मनोरथ सिद्धि का हमें आशीर्वाद प्रदान कर देना। इस प्रकार से कामना करके यदि लड़का लड़की वहां पर उपस्थित है जब आप इस प्रयोग को घर में कर रहे हैं तो उसको बुला लें घर के पूजा स्थान के सामने, पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाए वह, और वो जो पान का पत्ता वो ले लीजिए, उसको फोल्ड कर लीजिए ताकि सारा सामान उसी में आ जाए, लौंग, इलायची, सुपारी और गुलाब का पुष्प फोल्ड करके रख लीजिए। और जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा उसके ऊपर क्लॉक वाइज इसको 7 बार वार लीजिए, 7 बार वार करके किसी से भी बातचीत नहीं करना, पहले से आप देख लीजिए कौन से हनुमान जी महाराज के मंदिर जाना, सीधा हनुमान जी महाराज के मंदिर जाना है और हनुमान जी महाराज के समक्ष वहां पर चरणों में यह समर्पित कर दीजिए। कुछ मंदिर ऐसे होते हैं कि वहां मंदिर तक, चरणों तक हनुमान जी के पहुंचना संभव नहीं है, तो पुजारी जी से निवेदन कर दीजिए वो वहां पर समर्पित कर देंगे। उसके पश्चात वहीं हनुमान जी महाराज के मंदिर में एक घी का दीप प्रज्वलित करके 3 हनुमान चालीसा का पाठ कर दें या 1 बजरंग बाण का पाठ कर दें, या तो 1 बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए या फिर आप 3 हनुमान चालीसा का पाठ करके पूर्ण मनोयोग से, भाव से श्री हनुमान जी महाराज से निवेदन कर देना। अपनी जो कामना है, अपनी अर्जी है, वो हनुमान जी महाराज के चरणों में रख देना। देखिए कोई भी उपाय हो, जब पूर्ण भाव से, श्रद्धा से,
एकाग्रता के साथ, सच्ची तन्मयता के साथ देवत्व से कनेक्ट होकर के किया जाता है, तो मेरा अपने इष्ट देव के चरणों में पूर्ण भरोसा है कि कार्य बहुत जल्दी पूर्ण हो जाता है। और किसी भी प्रकार के उपाय की जल्दी सफलता के लिए जो उपाय के प्रारंभ में मैंने नियम बताए, उन नियमों का तो जरूर ही पालन करना चाहिए। मेरे YouTube चैनल पर आप कोई दूसरा भी वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो में उपाय से पहले जो नियम मैंने बताए, उन नियमों का आपको अवश्य पालन करना है। तो यह प्रयोग बहुत इफेक्टिव है, बहुत कारगर है, किसी भी मंगलवार के दिन करना। और इस विधि को 7 मंगलवार का वैसे विधान है, नियम है, इसी प्रकार से जैसे आपने पहले मंगलवार को किया है उसी तरीके से 7 मंगलवार टोटल आप इसी प्रकार से विधान संपन्न कर दीजिए। यह बहुत ही सरल है, आसान विधि है, इसमें किसी तरीके का आपका कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन पूर्ण भाव, श्रद्धा और समर्पणता के साथ इस प्रयोग को कर दिया जाए तो किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली के बड़े से बड़ा बंधन दोष भी खुल जाता है और शीघ्र विवाह होने का, जल्दी शादी होने का मंगलकारी योग अवश्य बन जाता है। तो प्रिय दर्शकों, मैरिज से रिलेटेड आप किसी भी प्रकार की सटीक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इन प्रश्नों का सटीकता पूर्वक जवाब आप अपने आप से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल की एक बार प्लेलिस्ट जाकर के जरूर चेक कर लीजिए, वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी अवश्य लाभ प्राप्त होगा। और एक विशेष बात बता दूं, यदि मेरे साथ आप हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं और मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो इससे बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। सब्सक्राइब यदि करके रखते हैं तो मेरा कोई भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। हमेशा मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं ऐसे लोगों को मैं निवेदन करूंगा कि सब्सक्राइब जरूर कर लो ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल को। आज के लिए इतना ही था, देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल।